जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए करवाए जाते हैं। तो आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन साहित्य इतिहास के विषय में किसका है, बताइएगा। ये कथन आप सभी के लिए चयन करना है, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलन बलोचन शर्मा। आप सभी का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, किन का कथन माना जाता है ये। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक है और एक में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। ये कथन माना जाता है किनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगर आप भी एमपी टेट वर्ग एक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर वर्ग एक के लिए। इकाई एक से इकाई 20 तक के सभी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में होंगे। ये मंगवाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9399-5549-66 पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां शीर्षक से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, बताइएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है दो और दो में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां शीर्षक से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, नंद दुलारी वाजपेयी ने, अज्ञे ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, राम कुमार वर्मा ने, क्या है सही आंसर बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर दो में विकल्प नंबर डी सही आंसर है, नामवार से है, आप सभी का सही आंसर है, नामवार से है। हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां शीर्षक से जो है ये साहित्य इतिहास लिखा है नामवार सेन ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, आदिकाल को किसने संधि काल कहा है, बताइएगा। आदिकाल को संधि काल राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, राम कुमार वर्मा या श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये चार विकल्प आपके दिए गए, कुलदीप जी और प्रिंसी जी, दाकड़ जी, दिव्यांशु जी, आप सभी का सही आंसर होगा, आदिकाल को संधि काल कहा है किन्होंने। तो तीन में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला सही आंसर है, यहाँ पर राम कुमार वर्मा आपका सही आंसर होगा, राम कुमार वर्मा जी जो है, लवली जी, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है चार दिया गया, श्राविकाचार किनकी रचना मानी जाती है, बताइएगा। श्राविकाचार देवसेन, शालिभद्र सूरि, जिनदत्त सूरि, रामसेन, क्या होगा सही आंसर, किनकी रचना मानी जाती है ये बताना है। सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर, श्राविकाचार बताने किनकी रचना मानी जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये देवसेन जी की रचना मानी जाती है। चार में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर, ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, देवसेन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर, हिंदी की पहली रचना श्राविकाचार मानी जाती है। और हम्मीर रासो की रचना राहुल सांकृत्यायन के अनुसार किसके द्वारा की गई है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बताना है आप सभी के लिए, चयन करना है क्या होगा सही आंसर बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि हम्मीर रासो की रचना राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बताना है किसके द्वारा की गई है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, पांच में विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर, जज्जल। यहाँ पर देखिएगा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछा गया है तो आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, हम्मीर रासो की रचना राहुल सांकृत्यायन के अनुसार किसके द्वारा की गई है, तो जज्जल आपका यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर छह में बताना, निम्नलिखित में से किसकी रचना का नल्ल सेन है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर, नल्ल सेन माने जाते हैं किसके रचनाकार, ये आप सभी को चयन करना है। खुमाण रासो, विशल देव रासो, विजयपाल रासो, जयचंद प्रकाश, कौन
क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, किसके द्वारा जो है यहाँ पर बताना है, नल्ल संय किस, नल्ल संय की रचना बताना है कौन सी मानी जाती है। तो 6 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका सी होगा, सही आंसर यहाँ पर विजयपाल रासू, विजयपाल रासू के रचनाकार कौन है, नल्ल संय माने जाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, देसल बैना सब जन मिठा ते तेसन जपहु अबट्टा, किसकी पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया गया है, 7 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा 7 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। देसल बैना सब जन मिठा ते तेसन जपहु अबट्टा, ये पंक्ति मानी जाती है अमीर खुसरो विद्यापति सरयपा सबरपा। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर है विद्यापति, आप सभी का सही आंसर है बी वाला विकल्प, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, जिन्होंने भी चयन किया है विद्यापति उनका यहाँ पर सही आंसर है। मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित नहीं है, नहीं बताना है, कृष्ण बिहारी गणेश बिहारी श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 8 में अपन ने पढ़े मिश्र बंधु 3 भाई थे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 8 में आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका कि मिश्र बंधु, उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था मिश्र बंधु विनोद, हिंदी नवरत्न का एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जो भी पूछा जाता है हिंदी नवरत्न। यहाँ पर आपके लिए बताना है नहीं है, कृष्ण बिहारी मिश्र जो है नहीं है। देखिएगा यहाँ पर गणेश बिहारी श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये 3 भाई थे मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासू की शैली किस प्रकार की है। शैली बताना है राजस्थानी ब्रजभाषा या डिंगल या पिंगल है, बताइए। 9 में आप सभी के लिए चयन करना है, 9 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। नौ में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा पृथ्वीराज रासू की शैली किस प्रकार की है, ये आप सभी के लिए चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, पृथ्वीराज रासू की शैली की बात करें तो डिंगल आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डिंगल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, राहुल बेल ग्रंथ की नायिका का नाम क्या है। राहुल बेल जो ग्रंथ है इसकी नायिका का नाम बताना है, कोसा है संयोगता है राहुल है या फिर पुहु पावती है। 10 में सही आंसर चयन करना है, 10 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और राहुल बेल ग्रंथ की नायिका का नाम क्या है ये बताना है। तो 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी राहुल, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राहुल, आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य का पूर्व नाम क्या था। मध्वाचार्य का पूर्व नाम विष्णु स्वामी कृष्णदेव आनंद तीर्थ तेजदेव। 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, बताइएगा 11 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य का पूर्व नाम बताना है, इनका पूर्व नाम क्या था। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 11 में विकल्प नंबर सी, आप सभी का सही आंसर होगा यानी कि आनंद तीर्थ, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प है, जिन्होंने भी चयन किया है आनंद तीर्थ उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमिलित करना है, चलिए कौन सी रचना किसकी सुमिलित करना है। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, इन कूट की सहायता से बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, मंजन की रचना कौन सी मानी जाती है ये बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है मधुमालती है। उस्मान की रचना कौन सी है, चित्रावली। और जायसी की रचना कौन सी मानी जाती है, जायसी की रचना जो है पद्मावत मानी जाती है। कुतुबन की रचना मृगावती मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर सुमिलित किए गए हैं, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने भी इस प्रकार सुमिलित किए हैं, विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया गया है, आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं।
13 में आप सभी के लिए चयन करना है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये पंक्तियां किन की मानी जाती है, 13 में चयन करना है। चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि ये तो रामानंद जी की पंक्तियां मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, रामानंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, ताकि सभी लोग जुड़ते जाएं इस क्लास से। कि क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है, इटावा में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर अमेठी में। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 14 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइएगा। 14 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है, तो 14 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है अमेठी में। कहाँ पर है अमेठी, आप सभी का विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अमेठी आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 15वां क्वेश्चन है, शेष महेश गणेश दिनेश सूर्य समूह जाहि निरंतन गावई, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति पूछ ली गई है 15 में। शेष महेश गणेश दिनेश सूर्य सही जाही निरंतन गावई, पंक्ति मानी जाती है सूरदास, नंददास, परमानंद दास, रसखान। 15 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 15 में विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि ये पंक्ति मानी जाती है रसखान जी की। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रसखान आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 16वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हुई, पंक्ति किस कवि द्वारा जो है रचित है ये बताना है, तुलसीदास, रहीमदास, नंददास या फिर केशव दास। 16 में आप सभी लोग चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हुई ये पंक्ति बताना है। सुखपाल जी, मोनिका जी, आप सभी का, तनु जी सही आंसर है कि ये पंक्ति तो मानी जाती है किनकी, रहीम दास जी की। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन सी रचना यहाँ पर, कौन एक रचना सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं बताना, हनुमान नाटक के हृदय राम है, लेखक अंगद पेच की ईश्वरदास, अवध विलास के लाल दास, रामायण महानाटक ईश्वरदास। 17 में आप सभी के लिए चयन करना है बताइएगा, चयन करिएगा कौन यहाँ पर एक रचना सुमिलित नहीं है, नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर 17 में सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, रामायण महानाटक ईश्वरदास, विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया, रामायण महानाटक के लेखक ईश्वरदास नहीं है, कौन माने जाते हैं ये आप तो कमेंट में बताएंगे। ध्रुव चरित के रचनाकार कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें रसखान की रचना है, नरोत्तम दास, गोकुलनाथ या चित स्वामी। 18 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, ध्रुव चरित के रचनाकार कौन माने जाते हैं, चयन करिएगा क्वेश्चन यहाँ पर बताना है आपका। 18वां क्वेश्चन दिया गया है और 18 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। अनिल जी, स्नेहा जी, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला सही आंसर है, ध्रुव चरित। ध्रुव चरित जो है नरोत्तम दास जी की रचना मानी जाती है, किनकी, नरोत्तम दास। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर 19 दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताना है, कौन थे, रामानुज थे, रामानंद थे, नरहरिदास थे, ज्ञानदेव थे। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 19 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गोस्वामी तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम बताना है। 19वां क्वेश्चन है, नर हरिदास आप सभी का सही आंसर है, नर हरिदास, जिन्होंने भी विकल्प नंबर सी चयन किया है
नरहरिदास उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। उज्जवल नीलमणि के रचनाकार का नाम बताइए, रूप गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, या फिर यहाँ पर परमानंद दास हैं, या फिर यहाँ पर नंद दास हैं, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। सभी लोग चयन करेंगे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका एक सही आंसर है, 20 में, 20 में आपका क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है रूप गोस्वामी, आप सभी का सही आंसर है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना मानी जाती है। रूप कैसा होता है? उज्ज्वल होता है। रूप कैसा है? उज्ज्वल रूप है, उज्ज्वल रूप है, तो रूप से रूप गोस्वामी, उज्ज्वल से उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी माने जाते हैं। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, वह कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? बताइएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, रामकुमार वर्मा। 21 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, यह कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? तो 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने विकल्प नंबर दो चयन किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भाषा भूषण के रचयिता कौन माने जाते हैं? भाषा भूषण के रचनाकार पद्माकर हैं, भूषण हैं, चिंतामणि हैं, जसवंत सिंह हैं। 22 में आप सभी लोग चयन करिएगा, भाषा भूषण ग्रंथ किनका माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, किनका है ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, विकल्प नंबर डी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जसवंत सिंह की रचना मानी जाती है। कौन सी? भाषा भूषण। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जसवंत सिंह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा, कौन सी रचना भिखारी दास की है? भिखारी दास की रचना आप सभी के लिए बताना है, भावविलास, काव्य विवेक, काव्य मीमांसा, काव्य निर्णय। 23 में आप सभी लोग बताइएगा कौन सी रचना भिखारी दास जी की मानी जाती है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, भिखारी दास जी की रचना बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी का सही आंसर है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है, भिखारी दास की रचना मानी जाती है। कौन सी? काव्य निर्णय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित कवियों के सही कालक्रमानुसार, सही कालक्रम अनुक्रम का चयन करना है, बताइएगा कौन सा क्रम यहाँ पर सही आंसर होगा, केशव, बिहारी, देव, पद्माकर। 24 में आप सभी के लिए ये 4 कवि दिए गए हैं, इन 4 कवियों का आपके लिए सही कालक्रम बताना है कौन सा सही होगा। 4 विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 24 में क्या है सही आंसर? सी सही आंसर है, यानी कि सबसे पहले केशव, बिहारी, देव, पद्माकर, ये सी वाला विकल्प जो है सी, मैं आप सभी का सही आंसर केशव, बिहारी, देव, पद्माकर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का कौन सा है? क्वेश्चन यहाँ पर है 25वां क्वेश्चन है, दी गई रचना में कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं बताना है तो तरंगिणी के कृपा राम, रसिक प्रिया के केशव दास, कवि प्रिया के चिंतामणि, प्रबोध पचासा के पद्माकर। 25 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए 25 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, दी गई रचना में कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 25 में, कवि प्रिया जो रचना है ये चिंतामणि की नहीं मानी जाती है। आप सभी के लिए पता ही होगा कवि प्रिया किन की रचना है, तो कमेंट में बता दीजिएगा, चिंतामणि की रचना नहीं मानी जाती है कवि प्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बाकी के यहाँ पर सम्मिलित है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 26वां क्वेश्चन है, रसकेली वल्ली किस कवि की रचना है? 26 में आप सभी लोग बताइएगा कवि प्रिया केशव दास की रचना। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया यहाँ पर पता है, मतलब कि सभी को। तो रसकेली वल्ली किस कवि की रचना? पद्माकर, घनानंद ठाकुर, सूदन कवि,
26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, रस रस केली बल्ली। 26 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। घनानंद की रचना मानी जाती है, किन की रचना है? घनानंद, आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है भाई, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है, दिए गए कथनों में अनुचित कथन का चुनाव करना है, अनुचित बताना है कौन सा कथन अनुचित है। बिहारी सत्सई की रचना राजा जयचंद के आग्रह पर की गई थी, या फिर बिहारी सत्सई में 713 दोहे हैं, बिहारी सत्सई में कल्पना की समाहार शक्ति है, बिहारी सत्सई श्रृंगार प्रधान रचना है। 27 में आप सभी के लिए चयन करना है, दिए गए कथनों में अनुचित कथन का चुनाव करना है, 27वां क्वेश्चन है। तो देखिए बिहारी सत्सई में 713 तो ये तो उचित कथन है, सही कथन है, बिहारी सत्सई में कल्पना की संवार शक्ति ये भी सही है, बिहारी सत्सई श्रृंगार प्रधान रचना ये भी सही है। अनुचित कथन ए है कि बिहारी सत्सई की रचना राजा जयचंद के आग्रह पर की गई थी, ये वाला आपका कथन कैसा है, अनुचित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28 दिया गया, हिंदी साहित्य किस आलोचक ने रीतिकालीन साहित्य में सर्वत्र ग्रास्तिक प्रेम की गंध की खोज की है, बताइएगा। वह साहित्य आप सभी के लिए बताना है कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नगेंद्र जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं। 28 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। हिंदी साहित्य के किस आलोचक ने रीतिकालीन साहित्य में सर्वत्र ग्रास्तिक प्रेम की गंध की खोज की है, तो आप सभी का 28 में सही आंसर आ रहा है। 28 में विकल्प नंबर आप सभी का क्या होगा सही आंसर, विकल्प आपका यहाँ पर सी होगा सही आंसर, डॉक्टर नगेंद्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र होगा यहाँ पर सभी का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 29वां क्वेश्चन है, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजा बनी, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन मानी जाती है, काव्य पंक्ति किनकी मानी जाती है, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। क्वेश्चन 29 है, महत्वपूर्ण है, आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजा बनी, ये आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 29 में सी सही आंसर है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आप सभी का सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, उर्दू में नियाज, आफताब, रसा, अब्र, ये चार नाम दिए गए हैं, इन चार नामों में से आपको चयन करना है। सभी लोग बताते जाइएगा और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वह एक बार वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आए हैं आप सभी के लिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता करते थे, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तन्मय जी आखिरी में। तो 30 में आप सभी का डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, अब्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, उर्दू में ये अब्र नाम से कविताएं करते थे, कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वह कथन आप सभी के लिए बताना है, बताइए। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया है, गद्य तथा पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया है, वे नए युग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे, या फिर उन्होंने भारतीय जीवन के समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की है। तो 31 में आप सभी के लिए चयन करना है, यहाँ पर देखिएगा, तो सत्य कथन नहीं बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प है, गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया है, ये वाला आपका सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि कौन साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं थे, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमचंद
प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधा कृष्ण शर्मा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 32 दिया गया है, 32 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 32 आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर डी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राधा कृष्ण शर्मा। राधा कृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं थे, विकल्प नंबर डी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? 33 में आप सभी के लिए चयन करना है, पंडित बद्री नारायण चौधरी ने, लाला श्रीनिवास दास ने, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने। 33 में आप सभी को बताना है क्या होगा सही आंसर। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? तो 33 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, बालकृष्ण भट्ट होगा सही आंसर। आप सभी का डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बालकृष्ण भट्ट। आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? तो डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि इनमें से आपके लिए बताने कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है, नहीं बताना है, चयन करना है, चयन करिएगा। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, चयन करना है सभी के लिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34 में डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, एक रचना श्रीधर पाठक की नहीं है, पद्म प्रसून आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प है। किन की रचना मानी जाती है पद्म प्रसून, कमेंट में बताइएगा, पद्म प्रसून किन की रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 दिया गया है, अयोध्या समुपाध्याय हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रभास में सर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है? 21 है, 22 है, 17 है, 15 है, 35 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा, बताइए। अयोध्या समुपाध्याय हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रभास में सर्गों की संख्या कितनी है? 35 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि इसमें सर्गों की संख्या पूछा है तो 17 है, कितनी है? 17 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, त्रिशूल किस रचनाकार का उपनाम है? त्रिशूल बताना है, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, या रामधारी सिंह दिनकर, या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही। त्रिशूल बताना है किस रचनाकार का उपनाम है, सभी लोग चयन करेंगे। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 36 में मोटिवेशनल जी, संध्या जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। किनका है उपनाम है? त्रिशूल गया प्रसाद शुक्ल सनेही, डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंडोला किसकी रचना मानी जाती है? हिंडोला बताना है, बताइएगा, रत्नाकर की रचना है, पद्माकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। 37 में आप सभी लोग बताइएगा, शेयर करते जाएं सभी लोग इस क्लास को, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। रोज आपके लिए इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए करवाए जाते हैं इस क्लास में, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, त्रिशूल सॉरी हिंडोला पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, हिंडोला जो है किसकी रचना मानी जाती है ये बताना है। तो 37 में विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर, रत्नाकर। रत्नाकर, रत्न जो है, रत्नाकर की रचना मानी जाती है हिंडोला,
हिंडोला, बिल्कुल सही आंसर, हिंडोला में रतन लटक रहे हैं, हिंडोला में रतन लटक रहे, तो रतन से रत्नाकर आप सभी का सही आंसर है हिंडोला। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चने। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चने, प्रसिद्ध आपके लिए बताना काव्य पंक्ति जो है किस कवि द्वारा रचित है, वह कौन है वह कवि, चयन करिएगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, मैथिली शरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी है, राम नरेश त्रिपाठी है। 38 में आप सभी को बताना है, 38 में क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर है 38 में, तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 38 में मैथिली शरण गुप्त होगा सही आंसर। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया उनका गलत आंसर होगा, आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। और रचना काल की दृष्टि से एक व्यवस्थित क्रम आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, ये रचना यहाँ पर दी गई है, इनको आपके लिए रचना काल की दृष्टि से एक व्यवस्थित क्रम बताना है, बताइएगा कौन सा क्रम व्यवस्थित होगा। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 में चयन करना है, व्यवस्थित क्रम चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? सही आंसर बिल्कुल सही आपका ए ही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। अगला क्वेश्चन है, शैलेंद्री नामक प्रसिद्ध रचना किनकी मानी जाती है? बताइएगा, शैलेंद्री प्रसाद गुप्त जी, माधवी वर्मा जी, निराला जी। 40 में आप सभी के लिए चयन करना है, 40 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? शैलेंद्री के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना, कई बार इसको पढ़ चुके हैं, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है शैलेंद्री, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि रचना मानी जाती है किनकी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर आपके लिए 41 में बताना है, चयन करना है इनमें से कौन सा कवि द्विविध युग से संबंधित है, 41 में आपके लिए चयन करना है। गया प्रसाद शुक्ल सनी ही है, जसवंत सिंह है, राधा कृष्ण दास है, प्रेमघन है, ये चार विकल्प दिए गए हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर? द्विवेदी युग से संबंधित कवि आपके लिए 41 में चयन करना है, और 41 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, विकल्प आपका यहां पर ये वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है, विकल्प ए यानी कि गया प्रसाद शुक्ल सनी ही आपका सही आंसर है। यहां से तो अनिल जी अच्छी क्लास चल रही है, आपके वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। जागो फिर एक बार, कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 42वां क्वेश्चन है, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेशंकर विद्यार्थी, अपन निराला। क्वेश्चन नंबर यहां पर 42 दिया गया है, 42 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? जागो फिर एक बार, कविता के रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि कौन द्विवेदी युग से संबंधित है पूछा 41 में, तो गया प्रसाद शुक्ल सनी द्विवेदी युग से संबंधित हैं। जागो फिर एक बार की रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है निराला जी, आप सभी का सही आंसर होगा, जागो फिर एक बार निराला जी की रचना मानी जाती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जागो फिर एक बार सूर्य निकल आया है, जागो फिर एक बार सूर्य निकल आया, सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, 43वां क्वेश्चन है, मिलन यामिनी किसकी रचना मानी जाती है? बताइएगा मिलन यामिनी, बताइएगा, चयन करिएगा, हरिवंश राय बच्चन, पंत प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा, किन की रचना मानी जाती है? चयन करना है सभी के लिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर दिया गया है, और आप सभी का सही आंसर है
मिलन यामिनी ये रचना मानी जाती है किनके, हरिवंश राय बच्चन जी की। विकल्प नंबर ये वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, हरिवंश राय बच्चन जिन्होंने भी चयन किया है। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि हरिवंश राय बच्चन आपका सही आंसर है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 44 44 में आप सभी के लिए बताना है, बताइए, चयन करिएगा। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये पंत जी ने कहा है, निराला जी ने कहा है, महादेव वर्मा जी ने कहा है, दिनकर ने कहा है, किन्होंने कहा है बताइएगा, चयन करिएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, मिलन का नाम मत लो, मैं ब्रह में चीर हूं। चीर नहीं आनंद जी, चिर हूं, ब्रह में चिर हूं। किनकी पंक्ति मानी जाती है? मिलन का नाम मत लो, मैं ब्रह में चिर हूं, ये आप सभी के लिए बताना है। दीपक जी, तो आप सभी का यहाँ पर 44 में सही आंसर है, ये वाला विकल्प सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का सही आंसर होगा। कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 45वां क्वेश्चन है, गंधवीथी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए, गंधवीथी किनकी रचना मानी जाती है? चयन करना है, जगदीश गुप्त, रमेश चंद्र साय, लीलाधर जगुड़ी, सुमित्रा नंदन पंत, क्या होगा सही आंसर? 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 45 में आप सभी का सही आंसर, पैंतालीस में आपके लिए सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गंधवीथी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत, आपका डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। कामायनी किसकी पुत्री थी? कामायनी मनु, इला या फिर श्रद्धा या फिर काम, किनकी पुत्री थी ये आप सभी के लिए बताना है, कामायनी किसकी पुत्री थी? चयन करिएगा सभी लोग। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कहाँ पर पहुंच गए अनिल जी? 54वां क्वेश्चन अभी तो आ ही नहीं है। तो क्वेश्चन आपका 40 यहाँ पर दिया गया है और 40 में कामायनी किसकी पुत्री थी ये बताना है, तो 40 में सभी लोग डी बता रहे हैं कि काम आपका यहाँ पर सही आंसर है, काम आपका यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 47वां क्वेश्चन है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? पंत, महादेव वर्मा, निराला या फिर अज्ञेय, चयन करिएगा। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, किनकी पंक्ति मानी जाती है? चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर? 47 में बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, महादेवी वर्मा। महादेव वर्मा जिनके लिए आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महादेव वर्मा की पंक्ति मानी जाती है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि नहीं है बताइएगा, चयन करिएगा, नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन, अंचल। 48 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? उत्तर छायावादी कवि कौन नहीं है ये चयन करना है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, 48 में चयन करना है, तो विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर लगा दें, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा बिल्कुल सही आंसर, आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, रामकुमार वर्मा जो है उत्तर छायावादी कवि नहीं माने जाते हैं, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया गया, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? उत्तरायण एक महाकाव्य माना जाता है, हरिऔध जी का, सिया रामचरण गुप्त है, रामकुमार वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी। 49 में आप सभी लोग चयन करेंगे, 49 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, उत्तरायण महाकाव्य माना जाता है किनका? रामकुमार वर्मा, आप सभी का सही आंसर लगा देते हैं।
सी वाला विकल्प बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर सी को लॉक कर दें, तो बिल्कुल सही, वो उत्तरायण महाकाव्य राम कुमार वर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, 50वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, बताइएगा, चयन करिएगा, नागार्जुन जी की रचना नहीं है, बताना है, चयन करना है, कला और बूढ़ा चांद, प्रेत का बयान, चंदना, पाषाणी, इनमें से आपको चयन करना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया गया है, कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं है, तो आप सभी का सही आंसर होगा कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद किन की रचना मानी जाती है, तो आप कमेंट में बताइए, ये तो नहीं मानी जाती है नागार्जुन जी की रचना। अगला क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तार सप्तक का प्रकाशन बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 51वां क्वेश्चन, 1940, 1943, 1953, 1934, क्या है सही आंसर, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तन्मय जी सब्र रखो थोड़ी सा, और क्वेश्चन अपन यहां पर कर लेते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या हुआ, क्या माना जाता है, तो 1943 माना जाता है, विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। देखिएगा चारों सप्तकों का प्रकाशन बता दें, तो देखिए तार सप्तक 1943 और दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979, इन चारों सप्तकों के संपादक एक ही थे, कौन, अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहिन अज्ञे। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 दिया गया है, 92 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शमशेर बहादुर से हैं, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर हैं, या फिर गिरजा कुमार माथुर हैं, बताइए। सतपुड़ा का जंगल, सतपुड़ा के जंगल किन की रचना मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर, बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ये वाला विकल्प बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, भवानी प्रसाद मिश्र होंगे। सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र माने जाते हैं, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है, बताइएगा, तो चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया गया है, हाँ अनिल जी, तन्मय जी, बिल्कुल, तो आप सभी का नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है, 53 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं कि अज्ञे, अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा, बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा पोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, पोर्ट विलियम कॉलेज की, कब, सन 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, सदल मिश्र, लल्लू लाल, या फिर वेले जली, या फिर गिलक्राइस्ट, ये बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो 54 में आप सभी का सी सही आंसर है, यानी कि मार्कवेस वेले जली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मार्कवेस वेले जली आप सभी का विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कली कौतुक रूपक नामक रचना किसने लिखी है, किसने लिखी है, बाल मुकुंद गुप्त ने, बाल कृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु जी ने, या फिर यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र ने, चयन करिएगा, संजू जी, सुनैना जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर, तो कली कौतुक रूपक जो है ये आपके लिए बताने, रचना किसने लिखी है ये चयन करिएगा, तो आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर आप सभी का 55 में डी वाला सही आंसर है, प्रताप नारायण मिश्र, कली कौतुक रूपक किन की रचना है, प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 56वां क्वेश्चन है, क्या दिया, कोणार्क नामक नाटक किसने लिखा है,
छप्पन में बताने मोहन राकेश या फिर जगदीश चंद्र माथुर विष्णु प्रभाकर उपेन्द्रनाथ के, क्या है सही आंसर? अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक अवश्य कर लीजिएगा। आधे से आधे लोगों ने लाइक किया है, जल्दी से एक बार लाइक करते जाइएगा। कोणार्क नाटक जो कि अपन ने कई बार पढ़ चुके हैं, इस नाटक को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। छप्पन में आप सभी का सही आंसर होगा, ये नाटक माना जाता है। किनका विकल्प आप सभी का यहाँ पर भी वाला सही आंसर है, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर आप सभी का सही आंसर है। कोणार्क के लेखक कौन माने जाते हैं? कोणार्क नाटक माना जाता है किनका? जगदीश चंद्र माथुर जी का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 दिया गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित करबला किस विधा की रचना मानी जाती है? विधा पूछ लिया गया है, बताइएगा। चयन करिएगा उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, किस विधा की रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? राकेश जी, अनिल जी, बहुत बढ़िया। तो कुलदीप जी, हरिश्चंद्र जी, आप सभी का सही आंसर है प्रेमचंद द्वारा लिखित करबला किस विधा की रचना है, विधा पूछा गया है। 57 में डी सही आंसर, नाटक लगाते हैं सभी लोग। सही आंसर क्या है? सही आंसर नाटक आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 58वां क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? नहीं बताना है, बताइएगा। तप्ता संवरण, संयुक्ता स्वयंवर, उत्तर प्रियदर्शी या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी का यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 दिया गया है और 58 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है, नहीं बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 58 में, सी वाला विकल्प, उत्तर प्रियदर्शी। आप सभी का बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर होगा सी वाला विकल्प, जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? लक्ष्मीनारायण लाल हैं, भुवनेश्वर हैं, उपेन्द्रनाथ अस्क हैं, रामकुमार वर्मा हैं। 59 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? 59 में आप सभी के लिए चयन करना है, स्वर्ग की झलक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। सही तो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर कैलाश जी, 54वां क्वेश्चन है कि सन 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो मार्कविस बेलेजली आपका सही आंसर होगा, कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 59 में आप सभी के लिए बताना है। तो सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, उपेन्द्रनाथ अस्क। उपेन्द्रनाथ अस्क आपका सही आंसर है। स्वर्ग की झलक देखकर लोग अस्क भा देते हैं, स्वर्ग की झलक देखकर लोग अस्क भा देते हैं। तो उपेन्द्रनाथ अस्क की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। मिस्टर अभिमन्यु किनका नाटक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 60वां क्वेश्चन है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक किसका माना जाता है? लक्ष्मीनारायण भारद्वाज, लक्ष्मीनारायण लाल, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 60 में बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बी वाला विकल्प, लक्ष्मीनारायण लाल बता रहे हैं। तो बिल्कुल सही आंसर, मिस्टर अभिमन्यु नाटक किनका है? लक्ष्मीनारायण लाल जी का माना जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है, बताइएगा। चयन करिएगा, राखी जी, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 61 में बताना है, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2, 10, 4, 8। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? चलिए, तो आज का ये चैलेंज प्रश्न दे दिया, अब आंसर आप लोग जाने क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट में लिखिएगा। आप सभी के लिए बता दें, देखिएगा क्लासों से सभी लोग जुड़िएगा, इसी तरह सभी क्लासों से जुड़ना है आप सभी के लिए। सुबह 9 बजे एक क्लास होती है, उसमें जुड़ना है। दोपहर में 2 बजे एक क्लास होती है, बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं दोपहर में सुबह वाली क्लास में। और 4 बजे वाली क्लास में भी सभी लोग जुड़िएगा, और 1:10 बजे 4 क्लासें अपनी निरंतर क्लासें आप सभी के लिए लाई जा रही है। तो आप सभी के लिए बस बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक अवश्य करना है।
तो बिल्कुल सही, सभी लोग लाइक अवश्य कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और अगर आप भी एमपी टेट वर्गीय चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर, इकाई 1 से इकाई 20 तक के सभी मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध हैं। मॉडल पेपर मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया गया है 93-99-55-39-66, इस नंबर पर आप एक बार संपर्क अवश्य करिएगा। ये मॉडल पेपर आपके घर पर पहुंच जाएंगे, मात्र 350 रुपये के ये मॉडल पेपर हैं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। गुड़िया जी, प्रियंका जी, वैदेही जी, कुमुद जी, प्रीति जी, संध्या जी, हजारी लाल जी, प्रमोद जी, बिंदु जी, तृप्ति जी, मेधा जी, दीपक जी, आनंद जी, दिव्यांशु जी, राखी जी, संजू जी और तनु पांडे जी, रिता जी, वंदना जी, तन्मय शर्मा जी, मेधा जी, MS वर्मा जी, कुमुद जी, हजारी लाल जी और लवली ठाकुर जी, दीपक जी, अनिल जी, धाकड़ जी, प्रियंका जी, अनंत जी, मोटिवेशनल जी, अरविंद जी, स्नेहा जी, प्रियंका गुप्ता जी और कैलाश जी, मोहित जी, मेधा जी, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मोटिवेशनल जी, बीरन जी, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लें। तन्मय जी, अनंत जी, संध्या जी, प्रियंका जी, मेधा जी, वंदना जी, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी, स्नेहा जी, प्रमोद सैनी जी, सुनैना जी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बिल्कुल आनंद जी, आप भी हैं, आपका भी नाम ले लिया है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला यादव जी, जय हिंद।